हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को केवाईसी कैसा अपलोड करना है वो बताने वाला हूं। जो स्टोर पे केवाईसी का अभी जो अपडेट आया है, तो सिंपली वे है वो। लोगों क्या है, सब परेशान हो रहे कैसा करना है, और इंशाल्लाह उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये अपनी जो बोट की इमेज कैसे अपलोड करना है वो भी बताऊँगा इंशाल्लाह। अभी तो केवाईसी का बताऊँगा। ये क्रोम में गए हम, डिफ़ॉल्ट रख लिया हमें क्रोम में। ये सीधा ऐप खुला है, अपना आईडी लिए, ये लॉगिन, ये मेरा लॉगिन आईडी है सैयद जुनैद। और यहाँ से अपन को सेटिंग से माय अकाउंट सेटिंग में जाना है। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, माय प्रोफाइल, माय बैंक इंफॉर्मेशन, अपलोड केवाईसी। अपलोड केवाईसी में गए बाद अपन को ऑलरेडी फाइल अपन को मैं फ़ोटो लेके उसको क्रॉप करके रख लिया ऑलरेडी। तो आप लोग भी वैसा रख सकते हैं, ना तो डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हैं। क्रॉप करके रखने में फ़ायदा क्या है, डायरेक्ट अपन को एग्जैक्टली जो यहाँ इमेज रिक्वायरमेंट है वो मिल जाता। अपन डायरेक्ट फ़ोटो लिया तो वो इमेज बढ़िया हो जाती, कभी अपलोड होने देर होता, तो थोड़ा लोग क्या है परेशान हुआ थे। तो मैं चूज़ फाइल या मीडिया, अब यहाँ इमेज में ऑलरेडी ले लिया, आधार कार्ड का फ्रंट है, ये फ्रंट को सेलेक्ट कर लिया। अब ये फाइल यहाँ आ चुकी है, यहाँ पर नंबर देखिए अपना, इसको अपलोड कर दिया। थोड़ा 5 से 10 सेकंड लेता है, ये अपने इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड है ये। जब तक अपन नीचे का फाइल कर लेंगे, ऊपर की वो थोड़ा लेट होता मगर वो अपलोड हो जाती है ऑटोमेटिक। सेकेंड वाला सेलेक्ट करें, ये भी फाइल आ चुकी है, अपलोड कीजिए। अगर अपन को थोड़ा टाइम लग रहा है तो अपन थोड़ा रिफ्रेश भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करें तो दो में से एक तो फ्रेंड्स, ये बहुत टाइम लगा ये अपलोड होने के लिए। इसका ये केबी में ले रहा है फाइल, ये अपन अगर कैमरे से फ़ोटो ले रहे हैं तो वो एमबी में आ रही फ़ोटो, तो एमबी में आने से वो क्या है अपने को अपलोड होने बहुत टाइम ले रहा। तो मैं क्या करा, एक जो भी अपने घर में तो होंगे एक दो फ़ोन, तो उसको अपन व्हाट्सएप पर सेंड करके फिर से अपन अपने फ़ोन में भेजा लेना घर के फ़ोन से। उसके बाद में वो ऑटोमेटिक जो व्हाट्सएप पे फ़ोटो जाके जो अपन को रिटर्न आती ना, वो केबी में हो जाती, तो वो आसानी से अपलोड हो जाती फ़ोटो। तो ये देखिए, ये फ्रंट, ये बैक, ये पासबुक, ये फ़ोटो और ये पैन कार्ड, ये पूरे अटैचमेंट हो चुके हैं। तो अपनी जैसे कि अगर 11 आईडी है तो स्टार्टिंग के 3 आईडी करना है, अगर अपनी एक ही आईडी है तो एक ही आईडी करना है। तो इंशाल्लाह, तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।